क्या कर रहा है रोनी, तुम नहाने का प्लान कर रहा है क्या? बस थोड़ा पैर धो रहे थे, भारी मिस्टेक हो गया, हमको थोड़ी पता था सब भैंस घुसता है, पैर धो लिया उसके में। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं गांव, यहाँ अभी मैच चल रहा है फुटबॉल का, बीच में स्थगित हो गया है कुछ देर के लिए, ठंड हो गया है, सिटी मार लगता है फिर से चालू होगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं मैच। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी संघर्ष होने के बाद इधर मैच स्टार्ट हुआ है, इधर गोली पूरे जोश में है चल रहा है, सामने देख सकते हैं उधर वहाँ पर पब्लिक लोग जुटा हुआ है, वहाँ पर पूरा चखना उखना है, पूरा होगा व्यवस्था, बहुत धूप है ना अभी लोग के लिए, इधर मैच देखेगा उधर से चखना खाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए हम लोग का जो फील्ड है उसके बगल में ही धान का खेती हुआ है, धान का रोपा गया है, इधर मैच चल रहा है, पूरा गांव के बीच में हो रहा है मैच टूर्नामेंट, जो जीतेगा लोग का खस्सी मिलेगा, नाम में मुर्गा, और अपना भाई का नया गाना है उसके क्या है लाइन कैसा था फिर लगा, ले दादा चखना में मुर्गा और खस्सी, मुर्गा और खस्सी, मर रे मर मर मार, आउट ऑफ द फील्ड, खेत में दौड़ रहा बेटा, प्राइज मनी डिडक्ट करो, खेत में दौड़ रहा है भाई, प्लेयर लग दो फील्ड छोड़ के खेतों पे जा रहा है, पेनल्टी, देखिए इतना बड़ा प्राइज है खसी, उसके लिए देखिए पूरा पब्लिक जुट गया है, पूरा पेनल्टी चेक करेगा, जहाँ कुछ हुआ उठपटांग मार हो जाएगा, खसी की तरह छिल देगा अभी सबको। तो हम लोग यहीं पे नहीं जाएंगे भाई, बहुत पब्लिक कुछ हुआ नीचे ना मार दिया, तो इसलिए इधर ही वेट करेंगे, देखते हैं उसके बाद। तो देखिए दोस्तों समय का मद्देनज़र रखते हुए मैच इधर चल रहा है, और उधर देख सकते हैं उधर फील्ड में, इधर भी पता नहीं धूप से दिख रहा हो नहीं दिख रहा, उधर अलग से और मैच चल रहा है, ताकि जल्दी से टूर्नामेंट कम्प्लीट किया जाए, आदमी लोग घसी खाने का बहुत जल्दी है, इधर मैच चल रहा है, दो दो तीन तीन मैच एक साथ चल रहा है, देखते हैं कौन लकी विजेता रहेगा, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ बंदर उंदर भी दिख रहा है, मैच देख रहा है बंदर भी, उधर रिफ्रेशमेंट, इधर बंदर, उधर फुटबॉल, इधर भी मैच, इधर गांव में ही तो मज़ा हो रहा है पूरा, हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, फ्रेंड्स आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और कल का तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी सही नहीं था, और फिर रात में क्या बोल सकते लाइट कम हो गया था, उस कारण से मैच का आखिर का हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी सैड हम लोग का जो गांव था वो लोग नहीं जीत पाया, बगल वाला गाँव जीता ना जी, वो लोग खसी खा रहा होगा मजे से, जीत गया फुटबॉल मैच, और देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पहाड़ है, वहाँ कैसे बोले पूरा अनटच टाइप से जंगल है पूरा, और आते समय हम लोग देख रहे थे जो लगा रहता है बोर्ड कि वहाँ चीता उता भी रहता है, यहाँ पूछने में पता चला कि सही में है, इधर तो हाथी का पता ही था पहले कि हाथी से आदमी लोग परेशान रहता है, जंगल से उतरता है, हम लोग रात में आ रहे थे, अच्छा और कुछ हम लोग को मिला नहीं, लेकिन बहुत नज़दीक में आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना नज़दीक में पूरा पहाड़, इसमें जंगली जानवर सब रहता है, आज तो समय नहीं है, नहीं तो नीतीश को चढ़ाते वहाँ, लेकिन आज मौका मिलेगा तो इधर नदी है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग को वापस लौटना इसलिए कुछ गारंटी नहीं है, अगर मौका मिलता है तो नदी जाया जाएगा, और वहाँ जाके थोड़ा एंजॉय किया जाएगा वापस जाने से पहले,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खुजली मिटाया जा रहा है बिजली का तार में। बाकी लोग तो नहीं बोल सकते हैं, बिजली का तार से हमको करंट लगा था। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइड में जल गया है। और सुबह सुबह नितेश कहाँ गए थे दिखाओ। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे बताओ, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं खेत, खेत जा रहे हैं। हाँ मतलब ये लोग को लेके जा रहे हैं खेत यहाँ, और उसके बाद उधर भी घूमेंगे, पर दिखाया जाएगा क्या खेत में। नितेश से हल चलवाया जाएगा, अभी का रोपा रोप रहा है ना, उसी का समय है ना, ड्राइव होगा। हाँ रोपा रोपेगा नितेश, हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑन द वे हैं, जा रहे हैं। हाँ आगे जा रहा है भाई साहब, काढ़ा उड़ा जो भी बोलता है। ये कौन सा लीची पत्ता में डाल के इसका वो बनाएगा पान। हाँ बचपन में वही सब करता था, पान खा के सकते रहता था। और दे टावर एक तो बहुत मुश्किल से दिखा, इसीलिए बेटे यहाँ पे ढंग से पकड़ना रहा था नेट। बाप रे आगे भाग रहा है। और उधर है वहाँ पे कब्रिस्तान है, रात में तो हम तो आ जाएंगे, बहुत है। नितेश तुम आएगा रात में? ऐसे यहाँ पे समझ लो जंगल है, सब पेड़ उड़े पूरा कबर उबर है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग जंगल में एंट्री कर रहे हैं, दिख रहा है पेड़ उड़ सब पूरा हार्ड टाइप से है। जंगल में एंट्री हो गया हम लोग का। आगे हम लोग एक गांव पार कर दूसरा गांव जाने वाले हैं, बीच में नदी आए तो नदी का भी शॉर्ट निकालेंगे। देखिए कितना सही लग रहा है। देखिए जंगल का बीचों बीच खेत, कितना सही लग रहा है, ग्रीन ग्रीन मस्त लग रहा है। बाप रे बाप, पूरा गाना उन्हें सुन रहे हो। उधर देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे रुकड़ा चुनाया जा रहा है ना। आप पता नहीं आप लोग खाए हैं नहीं खाए हैं रुकड़ा, इधर हम लोग साइड तो बहुत खाता है पब्लिक। 200 रुपए पाव चल रहा था, हम पूछे थे देसी मांस। हाँ मीट का जगह सब्स्टिट्यूट होता है नेचुरल। 200 रुपया पाव हो गया, यानी कि 800 रुपये किलो। देखिए फ्रेंड्स ज़मीन से निकाले हैं अभी, ये होता है रुगड़ा, इसको साफ उफ किया जाएगा, उसके बाद इसको होता है नमी टूट के जगह आप लोग खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट में। जैसे पहले बताया 200 रुपये पाव हो गया, यानी कि 800 रुपये किलो। अब तो बेटर निकालो जल्दी जल्दी, तब ना होगा। अब देखिए हम लोग जंगल के बीच से निकलते हुए जा रहे हैं। अरे भाई जल्दी आओ, भीतर में चल जाओगे, चले चलो हम लोग चलते हैं। नया नया चीज़ मिल रहा है, इससे पहले रुगड़ा देखे नहीं थे जमीन से निकलते, डायरेक्ट बाजार में देखे थे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं नया नया चीज़। हम लोग पहुंच गए हैं खेत। नितेश डुंग डुंग, देखिए डंटा लेके पूरा भैंस देगा, वो देखो कहाँ कहाँ है, किसी का फसल को खा रहा है बेटे। क्या कर रहे हो बैठ के, फसल कहाँ खा रहा है? अभी हम देखे सब देख लिया, बड़ा रास्ता खाली करो। देखिए वो देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा खाने दो। क्या कर रहा है रोनी, तुम नहाने का प्लान कर रहा है क्या? बस थोड़ा पैर धो रहे थे, भारी मिस्टेक हो गया, हमको थोड़ी बता था भैंस को घुसता है, पैर धो लिया उसके में, भैंस फंस गया था पानी में। जंगल में घुसो वापस आओ। जंगल में हम लोग को ये मिल गया खुखड़ी, ऐसा रहता है छोटा वाला शायद खाने वाला रहता है, ये बड़ा वाला जंगली वाला ये वाला खा के मरने वाला। तो वहाँ खुखड़ी हो गया, रुगड़ा हो गया, जंगल में बहुत कुछ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए घर। अरे कपूसी, अरे बाप रे ना अच्छा साउंड है, नाखून को नहीं सर मुँह में नोच दो इसका। तो हम लोग हाथ पैर धो रहे हैं, जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, जाएंगे बस स्टैंड, उसके बाद बस लेंगे क्या जी।
चार्ज यूज करने के लिए लाइट अभी है नहीं तो चार्ज करते हैं। लाइट आएगी नहीं, नहीं। चार्ज कर लीजिए सर, बस तब ना हम लोग एंजॉय कुछ हो गए, हम जाते हैं थोड़ा चेंज उंज करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं बस के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग कपड़ा वपड़ा सब चेंज करके जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इधर देखिए, इधर आओ मिस्टी, क्या था इधर लगाओ, वो भी पूरा रेडी हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, अभी 12:15 चलते, 12:15 में एक बस है, वो हम लोग खदगाड़ा डायरेक्ट पहुँचा देगा। अब उसके बाद 2 बजे से है ना, 2 बजे वाला है वो, 8:30 बजे तक पहुँचा देगा। अभी हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है, मिस ना हो जाए, क्योंकि शाम में फिर अलग अलग जाना है, हम लोग को दिक्कत पड़ेगा उनका। चलिए अब हम लोग को बस स्टैंड पहुँच के बताते। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं घर से, अभी हम लोग ऑन द वे हैं, जा रहे हैं। अभी कितना है, सही टाइम बताते हैं ना, 11:48 हो गया है, हम लोग को 12:15 में बस पकड़ना है। अभी किसकी पकड़ पाते, अब भाई बोल रहे, देखते हैं पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, आइए देखिए मज़ा आएगा। चलिए रास्ता देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। अरे बारिश वरिश ढंग से आएगा तब ना भरेगा पूरा। संत नदी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग को बस मिल गया, बहुत मुश्किल से एकदम जल्दी पहुंचे, वैसे बस निकला। हम लोग निकल चुके हैं, नेक्स्ट स्टॉप घूमला है, उसमें रुकेंगे, कुछ खाने उने का ले लिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट रांची पहुंचेंगे।